हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, लखनऊ के हजरतगंज का पिन कोड है 226001 और कानपुर का पिन कोड है 208007। क्या कभी आपने ये सोचा है कि यूपी के सभी शहरों का पिन कोड 2 से ही क्यों शुरू होता है? या क्या कभी आपने ये सोचा है कि यूपी से बिहार लगा हुआ है तो बिहार का पिन कोड 3, 4, 5 की जगह डायरेक्ट 8 से क्यों शुरू होता है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगा कि पिन कोड क्या होता है, ये 6 डिजिट का ही क्यों होता है और गवर्नमेंट ने किस किस तरह से इसको हर स्टेट को प्रोवाइड किया है। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, अब समझते हैं पिन कोड को। दोस्तों, पिन कोड को इंट्रोड्यूस 15 अगस्त 1972 में श्री राम भिकाजी वेलंकर ने किया। ये एक एडिशनल सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में। दोस्तों, पिन कोड की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये कोड 6 नंबरों को मिलाकर बनाया गया है। इसका हर नंबर हमारे एरिया की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। हिंदुस्तान 6 खास जोनों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 8 रीजनल जोन है और 1 फंक्शनल जोन है। हर पिन कोड किसी न किसी खास एरिया की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपके पिन कोड का शुरू का नंबर 1 है तो आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में से किसी एक स्टेट से हैं। अगर यही शुरू का नंबर 2 है तो आप उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल से हैं। और अगर पहला नंबर 3 है तो आप वेस्टर्न जोन के राजस्थान या गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर यही शुरू का नंबर 4 है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये यहाँ का पिन कोड है। और अगर इसी तरह से 5 है तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का होगा। और अगर 6 है तो केरला या फिर तमिलनाडु का होगा। और अगर पहला नंबर 7 है तो आप ईस्टर्न जोन में हैं। ये शुरू का नंबर बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों का है। और अगर शुरू का नंबर 8 है तो ये बिहार या झारखंड का होगा। और दोस्तों, अगर आपके पिन कोड के अंदर शुरू में 9 आ रहा है तो इसका मतलब आप फंक्शनल जोन में रहते हैं। ये आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए होता है। तो ये तो बात हुई पिन कोड के पहले नंबर के बारे में। अब बात करते हैं पिन कोड के शुरू के 2 नंबरों के बारे में। 11 नंबर दिल्ली का होता है, 12 13 हरियाणा का, 14 16 पंजाब, 17 हिमाचल प्रदेश, 18 19 जम्मू कश्मीर, 20 28 उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, 30 34 राजस्थान, 36 39 गुजरात, 40 44 महाराष्ट्र, 45 49 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 50 53 आंध्र प्रदेश, 56 59 कर्नाटक, 60 64 तमिलनाडु, 67 69 केरला, 70 74 बंगाल, 75 77 उड़ीसा, 78 आसाम, 69 नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों के लिए, 80 85 बिहार और झारखंड के लिए और 90 से 99 तक आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए। और दोस्तों, आगे के 3 डिजिट इस बात की जानकारी देते हैं कि जहां हमारा पैकेट या पोस्ट जाएगा। एक बार आपका पोस्ट सही जगह सही पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया तो फिर वहां से आपके घर तक उसको पहुंचाया जाता है। आइए दोस्तों, हम इसको एक तरह से और समझ के देखते हैं। जैसे एक पिन कोड है 11006, अगर कोई इस पिन कोड के ऊपर हमें कोई पोस्ट भेजता है तो उसके पोस्ट ऑफिस से हम तक डाक कुछ इस तरह से आएगी। पोस्ट ऑफिस वाले सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि शुरू का पहला डिजिट जो है वो 1 है, इसका मतलब ये पोस्ट है दिल्ली की, तो वो दिल्ली के लिए उसको भेज देंगे। जब वो दिल्ली आ जाएगी, दिल्ली में आने के बाद वहाँ पर ये चेक किया जाएगा उसके आगे के 2 डिजिट, उससे ये पता लगेगा कि वो दिल्ली में किस इलाके में है, फिर वहाँ से पोस्ट उस इलाके में भेजी जाएगी। तो दोस्तों, जब वो वहाँ आ जाएगी उसके बाद आखिर के 3 डिजिट बताएंगे कि ये दिल्ली में किस जगह जानी है। 11006 यानी कि पुरानी दिल्ली के अंदर ये डाक जाएगी, तो पुरानी दिल्ली की पोस्ट ऑफिस के अंदर ये डाक आएगी, उसके बाद वहाँ से फिर पोस्टमैन हमारे घर तक उस डाक को लेके आएगा। तो इस तरह से काम करता है पिन कोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आपसे जाना चाहूँगा, मेरा नाम है साकिब खान और देखते रहिए हमारे चैनल द मैजिकल माइंड्स को, क्योंकि बेहद यूनिक तरीके से बनी हुई वीडियोस लगातार और बेहद अच्छा कंटेंट इस चैनल पर आता जा रहा है और इंशाल्लाह आता रहेगा। थैंक यू।